बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको ये बता जरा। Don't wait for somebody to give you permission. Don't wait for somebody to kind of, you know, figure it out for you. What are the tips? हमको तीन टिप्स दे दीजिए, हमको चार दिशाएं दिखा दीजिए। नहीं, वो हम सभी से एक एक रोल भी करवाना चाह रही थी। By the way, कौसर भाग गई। I've written the song, I've heard it 50 times, but I'm kind of feeling emotional about it right now. कौसर मुनीर स्वानंद किरकिरे, हेलो हेलो हेलो, ये ओवर एक्साइटेड माइक्रोफोन। यू गाइस, 1 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर फिल्म रिलीज हो रही है कला। किस किस ने ट्रेलर देखा है? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। अन्विता दत्त की फिल्म है, तृप्ति डिमरी उसमें है, स्वास्तिका मुखर्जी हैं साथ में, और एक कमाल की बात है उस की जो एल्बम अमित त्रिवेदी ने कंपोज की है उसका हर एक गाना अलग अलग गीतकार ने लिखा है, which has happened for the first time, and especially lyricists like such as these, and there's Amitabh Bhattacharya, Varun Grover, Himachali gaane bhi hain, Pahadi gaane bhi hain album mein. To sabse pehle Swanand, ye kaise kar liya Anvita ne Ajuba, kya aapko sabko convince kar liya ki ek ek gaana likho aake sirf? Anvita hamari fellow lyricist hai, hum log sab saath mein kaam karte hain, lekin ek ajeeb aur sabse mazedar baat jo hai, hamare jin logon ne is film ke gaane likhe hain, Anvita, Kausar, Amitabh, Varun aur main, hum log ek एक्चुअली हम जिंदगी में भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग पीछे पड़े थे अनविता के, अगर यार तुम लिरिसिस्ट हो, गाना बना रही हो, फिल्म बना रही हो, इतनी अच्छी फिल्म बनाई बुलबुल, एक भी गाना नहीं। इस बार अनविता ने कहा कि ऐसा करती है, मुझे इस फिल्म में गाने चाहिए, और अगर आप पाँचों लोग एक एक गाना लिखे तो कैसा रहे। और ये आइडिया हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और हम कूद पड़े उसमें। कौसर, ये फिल्म सेट है 30s में और 40s में, जब आप गाने लिख रही हैं उस एरा के जिसमें, क्योंकि म्यूजिकल है, जो लीडिंग किरदार है वो खुद ही सिंगर है फिल्म में, तो सिर्फ गाने ही नहीं लिखने, आपको अपने गानों की बदौलत स्क्रीन प्ले भी लिखना है, आपको उसको उजागर करना है उस एरा को। सो व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड जब आप लिख रही थी फेरो ना नजर से नजरिया लव? सो द थिंग इज दैट अनविता इज नॉट जस्ट द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, शी इज ऑल्सो द राइटर ऑफ द फिल्म एंड शी इज वन ऑफ द लिरिसिस्ट। सो वो ज़मीन तो पूरी अनविता ने तैयार करके दी है। अगर आप ट्रेलर देखें तो उसका जो एक एक विजुअल है, एक एक जो फ्रेम है फिल्म का, वो बिल्कुल ही गहराई से, खूबसूरती से, प्यार से, एस्थेटिकली, मतलब थाली में पिरो के सजा के अनविता ने किया है। सो शी हैड लेड डाउन द फाउंडेशन वेरी ब्यूटिफुली फॉर अस। लेकिन उस सबसे अच्छी बात यही थी, अमित, अनविता, स्वानंद, मैं, इवन तृप्ति, एंड आई थिंक एट सम पॉइंट इवन बाबल वॉज देयर, and you know, we did, she gave us a script reading all together. So for us it was more of a like a joint community ownership effort. So we were into the film, into the script, so one didn't have to say ki ye mera gana, ye tera gana, ye main kaise. In fact, I'll tell you an interesting story. Jo gana maine likha hai film ke liye, wo uski pehli ek dhun Amit ne mujhe bana ke sunayi, pehla gana maine likha. and then I told him that you know, this song, this melody is better for the song that Varun is writing. Sure. For that situation. So yun karke bahut hi organically hua, aur bilkul ye nahi sochna pada 1930s for you, we just followed Anvita's vision and we followed the character's truth. और स्पोकन फेस्ट है तो यहाँ पे शब्दों की बात हो रही, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ ऑन फॉर रिकॉर्ड की राइटर्स आर रियली मच्योर पीपल, सचमुच समझदार होते हैं। हम एक दूसरे के हम सारे रिकॉर्डिंग्स पे सारे लोग थे, हम सारे एक साथ थे। कौसर ने मेरे गाने में कुछ एक चीज़ ट्वीक की होगी, मैंने कौसर को बोला होगा कि वहाँ पे वर्ड एक वर्ड कुछ देख ले, इस तरह की चीज़ें भी हुई, तो बड़ा मज़ेदार है। आपने इस फिल्म में मज़े कुछ ज़्यादा ही किए क्योंकि आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आपने गाना भी लिखा है रुबाइयाँ, और आपने गाया भी है एक गाना इसमें जो वरुण ग्रोवर का गीत है Shock, which is my favorite, absolute favorite Amit Trivedi track on the album. तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या enjoy किया आपने इस फिल्म में? Considering आप बोल रहे यारी दोस्ती में ही हो रहा है सब कुछ। हाँ, तो यारी दोस्ती में हुआ तो considering सब कुछ मज़ा आया। Actually जो सबसे challenging, देखो वो जो role है वो तो एक role अनविता मुझसे करवाना चाह रही थी, वो हम सभी से एक एक role भी करवाना चाह रही थी। By the way, कौसर भाग गई।
वरुण और आपको दबोच लिया. वरुण और वरुण का बेटर रोल है. वरुण इज अ गुड रोल एंड वरुण इज डन अ ग्रेट जॉब इन इट. बट मैंने एंजॉय किया गाना लिखना ज्यादा एंजॉय किया इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए, क्योंकि हम लोगों को अनविता, क्योंकि अनविता ने बड़ी एक म्यूजिकल फिल्म बनाई थी और हर गाने में उसने बड़े सोच समझ के कास्टिंग की थी कि ये गाना मैं कौशर को दूंगी, क्योंकि वो एक गाना जो उसकी माँ के रिश्ते के साथ का एक गाना है. वरुण को एक लव सॉन्ग दिया उसने, एक सैया घोड़े पे सवार है जैसा गाना उसने अमिताभ को दिया, और मुझे एक गाना दिया जो बाबिल की और जो कला का कैरेक्टर उनकी उनके रिश्ते का गाना है और उनकी पूरी कहानी निकलती है. तो उस तरह से तो मुझे वो सबसे ज़्यादा मुश्किल, और जो मैंने जो गाना गाया है वो चार लाइनें गाई है शुरुआत की उस वाले. थैंक यू. बड़े मज़ेदार गाने बने. शायद किसी लिरिसिस्ट की फिल्में इसलिए इतने मज़ेदार बन पाए हैं क्योंकि हमें ये पता है कि अगर कोई आप टेढ़ी बात लिखोगे तो यहाँ पे वहाँ पे यूथ को समझ में आएगी कि नहीं, जैसे सवाल नहीं आएंगे, ये आएगा कि वाह क्या बात लिखी है. कौसर, ये फिल्म तो पीरियड पीसेस से कहे 30s 40s, बट एज मच यू नो आई वॉच द फिल्म एंड एज मच थिंग्स हैव चेंज्ड, इट दे आल्सो रिमेन द सेम इन अ ह्यूज वे फॉर वुमेन इन द फिल्म इंडस्ट्री. कौसर मुनीर इज द फर्स्ट लिरिसिस्ट हुज वन द फिल्मफेयर अवार्ड बीइंग अ फीमेल हुज जस्ट वन. सो इट्स नॉट लाइक 2001 या 2002 की बात है, इसी साल की बात है पहली फीमेल लिरिसिस्ट. Are you seeing a change being a female lyricist, being a female storyteller in this industry? Are things changing for the better? मुझे इस बात का अभी भी अफसोस है कि जितनी जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, जिनको इस पोएट्री, शायरी, कविताएं, ये जो दुनिया है, इसमें पता नहीं अभी भी क्यों इतनी झिझक है, इतनी हिचक है. मैं भी कुछ हंसते टहलते टहलते यहाँ पे आ गई. I didn't have a dream or a diary, you know. So it just happened to me, and then I thought, okay, and I pursued. So I think there is some reticence. अभी भी लगता है कि शायरी जो है या कविताएं हैं जो पोइट्री है, वो जो मर्द है वो औरत की शान में कहेगा या औरत की बेवफाई के बारे में कहेगा. इट्स द नैरेटिव इज स्टिल दैट एंड अ वुमन विल रिक्लाइन ऑन द शेज लाउंज एंड रीड अ पोइट्री इन द आफ्टरनून. सो समहाउ दैट दोज इमेजेस हैव टू आई थिंक बी ब्रोकन एंड वॉट बेटर वे देन आर पॉपुलर films. Yeah. And I think, you know, don't wait for somebody to give you permission. Don't wait for somebody to kind of, you know, figure it out for you. What are the tips? Humko teen tips de dijiye, humko char dishaen dikha dijiye. Nahin. You know, there's no godmother or father. You have to just, and it'll happen if you have, and it's easy. It's easy because if you keep writing, keep reading, keep writing, it'll the path will. Yeah. Be made. And also, Swanand, आपसे भी ये सवाल कि do you think it's important to then find your community plug to find your community? जैसे आपने तो WhatsApp group बना लिया है 5-6 लोगों का, but जब आप घुस रहे हैं industry में, कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कितना जरूरी होता है अपनी community पहचानना, अपने लोगों को पहचानना और उनको साथ में लेकर चलना आगे? एक ऐसी जगह पे पहुंचना जहाँ पे यार हम दोनों coexist करते हैं. हम दोनों, अरे कौसर ने ये बात कितनी अच्छी लिखी और ये बात कितनी बढ़िया तरीके से कह पाई वो, ये क्या मैं इसमें से कुछ ले सकता हूँ. इस तरह का एक 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 अगर भाव आपके अंदर आता है, इस तरह की एक आप इच्छा आपके अंदर रहती है, तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं. वो पासे है, घमंड पुराना हो गया, घमंड इज़ नॉट कूल. मैंने जो अब देख रहा हूँ और मैं इतने सारे लोगों को यहाँ पर भी देखता हूँ, और तो गॉड फादर नहीं है. हम लोग बात करते हैं, मैं कल ही किसी से बात करता हूँ, तो आजकल अपना गॉड फादर तो इंटरनेट है. आप अगर इंटरनेट पे चीज़ें डाल रहे हो और अगर आपकी बातों में कितनी इतनी सी भी ऑनेस्टी है, आपके क्रिंज में भी इतनी सी भी ऑनेस्टी है, तो आपको सर पे उठा लिया जाएगा, तो देर नहीं लगने वाली है. तो वो दिक्कत सॉल्व हो गई है. आपकी कम्युनिटी तो अपने आप बनेगी. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कितनी शिद्दत और ऑनेस्टी के साथ यू आर गोइंग आउट देयर एंड पुटिंग इट आउट टू समबडी. लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग्स जो आपने गाने लिखे हैं. कौसर, नजर से नजरिया क्यों? व्हाई नॉट नजर से नजरिया? आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग. देयर इज अ इनोसेंस इन दैट सॉन्ग. एक भोलापन है, एक मासूमियत है और एक रॉ इमोशन है, जो असल में एक बेटी है जो अपनी माँ को मना रही है. तारों को तेरे ना तोड़ूंगी अब से, बादल ना तेरे उधेड़ूंगी अब से, ना खोलूंगी मैं तेरी केवड़िया, फेरो ना नजर से नजरिया. तो जो बेटी है वो माँ से कह रही है, वो माँ बच्चे को मनाती है कि रूठो मत, मान जाओ, रो मत. ये बच्ची जो है अपनी माँ से कह रही है कि आई डू व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट, आई विल बिहेव माई सेल्फ बट लव मी. आई हैव रिटन द सॉन्ग, आई हैव हर्ड इट 50 टाइम्स, बट आई एम काइंड ऑफ फीलिंग इमोशनल अबाउट इट राइट नाउ because it's coming from that space of a very universal emotion where everybody there is a child in everybody,
especially in adults, you know, you all, I think jo hum, and that is also a very important message and the spirit of kala is ki jo hamara jo andar ka jo child causer hai, jo child sucharita hai, usko hi, uski hi struggle hai jeevan par ki, और हमको उसी को मना के चलना पड़ता है, और हर कदम पे जो जो जद्दोजहद होती है जिंदगी की, वो चाइल्ड स्वानंद ही फेस कर रहा है, और वो जो एडल्ट स्वानंद है वो उसको सूद करने की कोशिश कर रहा है. एंड दैट इज व्हाट दिस सिचुएशन इज, दैट इज व्हाट दिस सॉन्ग इज अबाउट. इफ यू टॉकिंग अबाउट द वोकैबुलरी, या बिसाइड्स द इमोशनल रेजिडेंस ऑफ काइंड ऑफ अ मासूमियत भोलापन, इट्स ऑल्सो द पीरियड. सो द पीरियड अलाउज मी टू से थिंग्स लाइक नजरिया एंड केवड़िया and ataria, all these three words are there, which is beautiful. तो मेरा गाना भी ऐसे ही है कि मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मैं गाना बोल दूंगा तो वो गाना अपने आप में तो लेकिन मेरा गाना बहुत बहुत सिंपल है, लेकिन वो उसमें यही कह रहा है कि वो उस लड़की से इतना प्यार करता है, और वो उसको कहता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं तेरे से हमेशा मिलता आऊँगा. तो गाने का उसमें एक्चुअली वो लिखने के वक्त पे जो उसकी उसके उसके बोल ऐसे हैं कि मेरे तिड़के दिल दी रुबाइयाँ, ये शजर ये सर्द हवाएं, शाखों की गुमनाम अंधेरों के साए, आवाज़ के राज छुपाए और कतरा कतरा दोहराए, मेरे तिड़के दिल दी रुबाइयाँ. तो तिड़का जो दिल होता है ना, तिड़का मतलब घड़ा जो तिड़क जाता है ना. तो अमृता प्रीतम की एक बड़ी फेमस पोएम है पंजाबी में, वो कहती है कि वह मैं तिड़के घड़ेदा पानी कल तक नहीं रहना. तो मैं तिड़के घड़ेदा पानी हूँ, रिश्ता जा रहा हूँ, ख़त्म होता जा रहा हूँ, कल तक नहीं रहना. ओ मेरे मिठे घुटदिया मित्रा, मेरे जो मीठे घूट के दोस्त है तू, तो तू कह ले जो है कहना, अभी कर ले मीट, क्योंकि तू यू आर देयर फॉर मेरी मिठास के लिए, तू मेरा दोस्त है मेरे. तो मुझे ये पोएम बहुत दिनों से दिमाग में थी, तो वो तिड़के दिल दी रुबाइयाँ, मुझे वो तिड़का दिल, मुझे तिड़के घड़ा, वो मुझे तिड़का दिल ऐसा बड़ा मज़ेदार लगा, तो वो मैंने इस्तेमाल किया, अनविता खुश हो गई. और फिर उसके अंतरे में मैंने जो छोटा सा वो है कि गज़ल की शक्ल में किसी रागिनी में आऊँगा मैं तुमसे मिलने ज़रूर, और कोमल सुरोसा हौले से आकर छेड़ूंगा मैं तेरा तीखा गुरूर. इसलिए फेरो ना नज़र से नजरिया, ये रुबाइयाँ, अमिताभ का गाना जाने सैया क्यों घोड़े पे सवार है, इतने अलग रंग है ना, इतने खूबसूरत गाने हैं. और हम सबका फेवरेट गाना कोई और है किसी दूसरे के द्वारा, फेरो ना नजर से नजरिया, आपका फेवरेट घोड़े पे सवार, घोड़े पे सवार जो शौक है वो वरुण ग्रोवर ने लिखा है, उसमें गाया स्वानंद ने है, और जो घोड़े पे सवार है वो अमिताभ ने लिखा है, लेकिन फिल्म में वरुण ग्रोवर एक शायर का रोल कर रहे हैं, तो फिल्म के अंदर वरुण ग्रोवर ने वो गीत लिखा है. और ब्यूटीफुल, और अनविता ने उसमें खुद ने एक निर्भय और वो एक शब्द गुरबानी जैसा एक वो लिखा हुआ है. तो मेरे को एक्चुअली पूरे वर्ड्स याद नहीं है, पर मैं फिर भी गुनगुना लेता हूँ. बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको ये बता जरा, ना 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 तेरी दर दर बात घूर रही है दर दरा. बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको ये बता जरा. कभी कभी ना चीज़ें बहुत ऑन अ फिल्म, जैसे कई फिल्म मेकर्स कहते हैं कि कुछ तो आप बनाते हैं और कुछ खुद ही बनती जाती है जिंदगी की तरह, तो इस फिल्म में काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनिकली फिट हो गई. जैसे जो सिंगर हैं जिन्होंने गाए हैं मेल प्लेबैक, शाहिद माल्या, so his story is also very similar to what Babel's character's story is, right, which is amazing. And it just happened when Anvita started to give him the brief in the recording studio, to kehte ye to meri kahani, ye to meri beginning. And the female singer who's the voice of Kala, Sirisha, it's her debut in Hindi, so she's a Telugu singer, very young girl, and she again Perona Najariya was the first song that she sang. And she immediately, she kind of was emotional. She had tears in her eyes because she was kind of relating to her sort of, you know, journey with her parents. This album is going to take a life of its own. These songs are so special, so special, so dil se
एक एक गाना लिखा है बनाया गया, वो ऐसे नॉट सेइंग कि दिल से हम नहीं लिखते आमतौर पे, नहीं नहीं, पर कभी कुछ 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 जगह खास होती है उसको करने की, हाँ बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल। कौशल मुरलीधरन स्वानंद करके लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू।